और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार से। और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल राजस्थान से लाई गई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम राजस्थान में मौजूद है। हथियार के असली सोर्स का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। ये बड़ी खबर मिल रही है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर, यह बड़ा खुलासा। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल को राजस्थान से लाया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच की एक टीम इस वक्त राजस्थान में मौजूद है। हथियार के असली सोर्स का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। तो लगातार जिस तरीके से जांच तेज होती जा रही है, इस पूरे मामले में नए नए जो खुलासे हैं वो हो रहे हैं। और बड़ा अपडेट ये है कि जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था हत्याकांड में, उसे राजस्थान से लाया गया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे मेरे सहयोगी सूरज ओझा। सूरज, और क्या जानकारी मिल रही है? जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया था बताया जा रहा है वो राजस्थान से लाई गई थी, क्या और जानकारी है? जी बिल्कुल, जो मुंबई क्राइम ब्रांच के सोर्स हैं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार 9 के 9 आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और हर पूछताछ के समय एक नई बात खुलकर सामने आ रही है। इस बार उन्हें पता चला कि जो आरोपी हैं, इन्होंने जिस हथियार का इस्तेमाल कर बाबा सिद्दीकी की हत्या की, वो हथियार राजस्थान से मुंबई लाया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच फिलहाल एक टीम के साथ राजस्थान में कैंप कर रही है। कैंप करके उन तमाम लोकेशंस पर जा रही है जहां से संभावित रूप से ये वेपन्स लाए गए होंगे। सूत्र ये भी बताते हैं कि राजस्थान में इस तरह के जो डेडली वेपन्स हैं, कई बार पाकिस्तान से बॉर्डर पार कराकर राजस्थान लाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल इस थ्योरी पे भी एजेंसी काम कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ये जो डेडली वेपन्स हैं ये कहां से लाए गए थे। आपको बता दूं, साल 2022 में एजेंसियों ने अलर्ट भी जारी किया था राजस्थान और पंजाब के लिए कि इस तरह से वेपन पाकिस्तान से इंडो पाक बॉर्डर का इस्तेमाल कर भारत लाए जा सकते हैं। तो हर एंगल से फिलहाल क्राइम ब्रांच जांच कर रही है उस वेपन के असली सोर्स की जानकारी इकट्ठा करने के लिए। जी ठीक है, तो हर सोर्स का पता लगाने की कोशिश फिलहाल की जा रही है। आप बने रहिएगा हमारे साथ और एक और बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को देते हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर यह है कि पूछताछ में आरोपी राम कन्नौजिया ने कबूलनामा किया है। शुभम लोनकर ने हत्या की सुपारी दी थी। आरोपियों ने हत्या से पहले 1 करोड़ रुपए मांगे थे। पैसा ज्यादा मांगने पर शुभम लोनकर ने इरादा बदल दिया और शुभम ने यूपी मॉडल को काम सौंपा था। शुक्रवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें राम कन्नौजिया भी शामिल है जो महाराष्ट्र का ही रहने वाला है। और सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, और क्या क्या खुलासे किए गए हैं आरोपियों की तरफ से पूछताछ में? देखिए, कल के दिन मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें राम कन्नौजिया नाम का भी एक आरोपी था। राम कन्नौजिया से जब पूछताछ की तो उसने ये साफ तौर पे क्राइम ब्रांच से कहा कि देखिए, पहले मेरे पास शुभम लोनकर ने ये कॉन्ट्रैक्ट लाया था, उन्होंने कहा था कि बाबा सिद्दीकी को मारना है। इसके बाद मुझे पता था कि मैं महाराष्ट्र का हूं और बाबा सिद्दीकी कितना बड़ा नाम है और अगर उन पर अगर हाथ लगाया जाए तो उसके रिपरकशन कितने बड़े होंगे। इसी वजह से उसने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1 करोड़ की मांग की थी। 1 करोड़ सुनते ही शुभम लोनकर ने कहा कि 1 करोड़ ये बहुत ही ज्यादा आप मांग रहे हैं, इस वजह से ये काम उसे ना देकर यूपी मॉड्यूल को दिया गया, क्योंकि उसे पता था कि यूपी के जो लोग हैं उन्हें बाबा सिद्दीकी का जो यहाँ पर इमेज है, जिस तरह का उनका वैल्यू है यहाँ पर, उसके बारे में जानकारी नहीं है, इस वजह से वो कम पैसों में भी काम कर लेंगे और इसी के चलते ये सारा काम यूपी मॉड्यूल को दिया गया। रही बात जो आरोपी कल गिरफ्तार हुए, उन्होंने यूपी मॉड्यूल में जो आरोपी हैं हत्या के लिए आए थे उन्हें शेल्टर देना, उन्हें यहाँ पर पैसे मुहैया कराना और हथियार देने जैसे महत्वपूर्ण कामों में मदद की थी, इस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी ठीक है सूरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो पहले जो था वो राम कन्नौजियो को जो पूरा था कॉन्ट्रैक्ट ये सौंपने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन उसने मना किया, पैसे ज्यादा मांगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड पर बड़ा खुलासा। आरोपी के मोबाइल से जीशान की तस्वीर मिली है और आरोपियों को हैंडलर ने तस्वीर भेजी थी, पुलिस ने ये बताया है। सोशल मीडिया पर आरोपियों की बात होती थी, इंस्ट्रक्शन के बाद मैसेज डिलीट किया जाता था। तो आरोपियों के मोबाइल फोन से जीशान सिद्दीकी की जो तस्वीर है वो मिली है और सूरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सूरज, शुरुआती दौर से ही ये कहा जा रहा था कि जीशान को टारगेट किया जाना था, लेकिन जीशान पहले ही निकल गए थे, इसलिए बाबा सिद्दीकी का मर्डर हो गया। अब जो तस्वीर मिली है कहीं ना कहीं वो ये भी साफ कर रही है कि जीशान को निशाना ये लोग बनाना चाहते थे।
सबसे पहले एबीपी न्यूज ने एक खबर चलाई थी कि जिशान सिद्दीकी भी आरोपियों के निशाने पर थे। आरोपियों दोनों को मारना चाहते थे। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो सामने दिखे उसे भी आप मार सकते हैं। सबसे पहले एबीपी ने एक खबर दिखाई थी और इसी खबर पर जब बात आगे बढ़ी, अब जांच आगे बढ़ी है, तो आरोपियों में से एक आरोपी के फोन से जिशान सिद्दीकी का फोटो मिला और जब उस फोटो का सोर्स ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो फोटो स्नैपचैट के माध्यम से इन लोगों के बीच में शेयर हुआ है। स्नैपचैट का इस्तेमाल इन लोग इसलिए करते थे कि इन्हें लगता है कि वो इनक्रिप्टेड है, किसी को भी पता नहीं चलेगा कि किससे कौन बात कर रहा है। अपनी जो कन्वर्सेशन है उसे सीक्रेट रखने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते थे और फिर जितनी भी बातचीत होती थी उसे डिलीट कर देते थे। तो आरोपियों ने बताया कि जिशान सिद्दीकी भी उनके टारगेट पे था, इसी वजह से उसके फोटो को सर्कुलेट किया जा रहा था अपने आप में। जी सूरज, अगर दूसरी तरफ जांच की बात की जाए, लगातार पुलिस की जांच भी पूरे मामले पर तेज है, लगातार जो है नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। कहां तक पुलिस की जांच अब तक पहुंची है और जो आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और क्या क्या उनसे खुलासे हो पाए हैं अब तक? देखिए, ये जो गिरफ्तार हुए हैं ये वो लेयर है जिस लेयर तक सिर्फ प्लानिंग की बात कर सकते हैं, लेकिन अभी तक मोटिव सामने नहीं आया है। इनिशियल लेवल पे क्राइम ब्रांच को लगता है कि सलमान खान से बाबा सिद्दीकी की जो नजदीकियां थी वो कारण हो सकती हैं। उसके बाद जिशान सिद्दीकी ने जिस तरह से SRA का एक टॉपिक क्राइम ब्रांच के सामने रखा, उसके बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने SRA ऑफिस को भी एक पत्र लिखा, SRA प्रोजेक्ट की जानकारी मांगी, तो जांच दोनों पहलू से क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन फिलहाल जो समझ में आ रहा था इनिशियल डेज में कि यही है कि लॉरेंस बिश्नोई ने बाबा सिद्दीकी को निशाना सिर्फ इस वजह से बनाया क्योंकि उनकी नजदीकियां सलमान खान से थी। लेकिन अभी भी जांच आगे चल रही है, आगे चल के ये जो जांच की दिशा है कहीं और भी मुड़ सकती है। क्राइम ब्रांच हर एक पहलू को एक्सप्लोर कर रही है, हर एंगल से मामले की जांच कर रही है क्योंकि ये इतना गंभीर विषय है कि कई सारे एंगल सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, और कहां तक ये जांच जाती है अभी देखने वाली बात होगी। बहुत धन्यवाद सूरज आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।